तो एक वेल ग्रूम्ड मैन के पास ट्रिमर के साथ साथ शेवर भी होना चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर गैजेट। दोस्तों, जैसे आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो जरूर जानते होंगे कि मेरी ड्यूटी जो है कोरोना वार्ड में लगी है, तो उसके लिए मुझे क्लीन शेव होना था ताकि हाइजीन मेंटेन रह सके और बार बार फेस में हाथ ना जाए। तो उसके लिए मैंने मंगाया था फिलिप्स का ये शेवर। तो शेवर की आज टेस्टिंग करते हैं और क्लीन शेव करके देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। ये ड्राई एंड वेट दोनों यूज़ के लिए है, तो हम इसको एक तरफ ड्राई और एक तरफ फोम के साथ यूज़ करके देखेंगे और कैसा था परफॉर्म करता है ये देखेंगे। इसके MRP जो है वो 2295 है और ये आपको जो है वो 2000 रुपये के आसपास मिल जाएगा ऑनलाइन। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको ये चाहिए, क्योंकि जनरली जो कॉरपोरेट जॉब में होते हैं और जो कुछ प्रोफेशनल वर्क होते हैं उन्हें रोज़ क्लीन शेव करके ही जाना पड़ता है, तो वैसे लोगों के लिए ट्रिमर जो है वो ज़्यादा काम का नहीं होता, शेवर जो ज़्यादा काम का होता है। ये ऐसा शेवर है दोस्तों जो कि ट्रिम भी कर सकता है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रिम करने की बात है तो ये आपके साइड बंस यानी कली है इसको शेप देने के लिए, या अगर आप मूंछ रखते हैं बाकी क्लीन शेव रखते हैं तो उसको मूंछ को शेप देखने के लिए इसके अंदर ट्रिमर भी दिया हुआ है। पॉपअप ट्रिमर है इसके अंदर, फेस के अगर कहीं पे आपको हेयर ट्रिम करने हैं तो आप उस पॉपअप ट्रिमर की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक नॉब दिया हुआ है जिसको दबाने से ट्रिमर बाहर आ जाता है, तो इससे आप अपने साइड बंस या फिर थोड़े से मूंछ वगैरह को शेप दे सकते हैं और ये बहुत इजीली। सेम शेवर में आपको थोड़ा सा ट्रिमर का भी पोर्शन दिया हुआ है, ये काफ़ी खास बात है इसमें। और एक प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव कैप दिया हुआ है जिसकी मदद से आप ट्रैवल के समय इसको इसमें कैप लगा के इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने साथ। अगर आप जल्दी में होते हैं और आपको हमेशा क्लीन शेव रहना होता है तो ट्रिमर से अच्छा ये आपको शेवर ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई लोगों ने मुझे वीडियोस में पूछा है कि कौन सा ट्रिमर क्लीन शेव के लिए अच्छा होता है, तो मैं यही बोलूँगा कि शेवर अच्छा होता है क्लीन शेव के लिए, ट्रिमर नहीं। तो शेवर की आज हम देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये। साथ ही इसके जो ब्लेड हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल है, अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो 2 साल तक चलते हैं ऐसा कंपनी का बोलना है, तो काफ़ी ड्यूरेबल है, सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड है, तो ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी शेवर जो है अच्छा है। और आप इसमें बिना फोम के अगर जल्दी में है तो बिना फोम के भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिरर लाते हैं और यूज़ करना शुरू करते हैं फिलिप्स का ये शेवर, पहले ड्राई और फिर वेट। सो दोस्तों, मेरे सामने है मिरर जिस पे देख के मैं शेव करूँगा, एक तरफ मैं शेव करूँगा ड्राई यानी बिना कुछ लगाए और दूसरी तरफ आप शेविंग जेल, शेविंग फोम या फिर नॉर्मल शेविंग क्रीम लगा के फोम लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास है शेविंग क्रीम, तो उससे फोम बना के हम यूज़ करेंगे। इसको यूज़ ऐसे करते हैं दोस्तों कि इसको ऑन करके आप सर्कुलर मोशन में आप मूव करते जाएंगे तो आपका इजीली शेविंग होता जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में आप बिना किसी शेविंग जेल या शेविंग फोम के ड्राई तरीके से मैंने शेव किया है, काफ़ी क्लीन शेव हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे जो थोड़े बड़े हेयर्स हैं इसमें थोड़ा सा आपको फील होता है कि कुछ कट रहा है, यानी कि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा ट्रिम कर ले पहले, 0 ट्रिमिंग कर ले या 1 या 1.5 ट्रिम कर ले, उसके बाद इसको यूज़ करें तो आपको ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होगा। इधर के लिए हम देखेंगे शेविंग जेल या वेट फॉर्म में शेव करके कैसा फील होता है। मैं आता हूँ दोस्तों फोम लगा के, उसके बाद यूज़ करते हैं इसको। थोड़ा सा शेविंग क्रीम लगा लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इधर शेविंग क्रीम और वाटर लगा लिया है क्योंकि मेरे पास अभी ब्रश नहीं है, तो अभी देखते हैं वेट में ये कैसा परफॉर्म करता है। ये बढ़िया है, इसको भी शेव कर पा रहा है दोस्तों, बट आपको बेटर एक्सपीरियंस के लिए पहले ट्रिमर से इसको शॉर्टेस्ट लेंथ पे ले आना चाहिए। इसने सक्सेसफुली ये बड़े बाल भी शेव कर दिए हैं, बट आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, थोड़ा सा स्मूथनेस कम फील हो सकती है, खास करके ड्राई फॉर्म में। वेट फॉर्म में थोड़ा बेटर है, बट आप इसको ट्रिम कर लें थोड़ा सा ट्रिमर से 1 या 1.5 के अराउंड, तो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरफ मैंने ड्राई से किया है बिना किसी क्रीम की मदद के, और इस तरफ मैंने क्रीम यूज़ किया है, क्रीम और फोम बना के। सो ये है डिफरेंस, आप देख सकते हैं। और अभी थोड़ा सा ये पोर्शन में रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। सो दोस्तों, अब स्पेशल फीचर जो इसका है पॉपअप ट्रिमर का, वो देखते हैं। मैं अपनी जो कली या साइड बंस जिसको बोलते हैं वो इक्वल करने की कोशिश करता हूँ इसकी मदद से। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको मैंने बराबर कर लिया है, और ये काम आता है जो इसका पॉपअप ट्रिमर है। आप इस पॉपअप ट्रिमर से उम्मीद ये नहीं कर सकते कि आप पूरे बियर्ड या फिर हेयर का ट्रिमिंग कर लें, ये सिर्फ ऐसे ही मिनिमल जो ट्रिमिंग के लिए है, थोड़ी बहुत ट्रिमिंग के लिए है, जो यहाँ पे आप सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप मस्टैश आपके बड़े हैं तो आप उसको भी शेप दे सकते हैं इस तरह से। ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है दोस्तों। ये अपने आप में IPX7 वाटरप्रूफ है, तो आपको कम रेंज में अच्छा खासा आपको 2000 रुपीज़ के अराउंड काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर आप बियर्ड नहीं पसंद करते, क्लीन शेव कर पसंद करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। बियर्ड आपको पसंद नहीं है, स्टबल आपको पसंद नहीं है, तो आपको शेवर ही लेना चाहिए। और साथ ही हमें कुछ प्रोफेशनल लोगों को ज़रूरत होती है, बीच बीच में ऐसे समय आते हैं, एग्ज़ाम हो, कॉन्फ्रेंस हो या सेमिनार हो, या ऐसी जगह आपको प्रेजेंट होने के लिए क्लीन शेव रहना पड़ता है, जैसे कि इंटरव्यू हो, तो ऐसी जगहों पे आपको क्लीन शेव करने के लिए शेवर होना चाहिए आपके। अगर आप जल्दी में हैं तो इससे जल्दी से आप शेव करके ऑफिस या फिर इंटरव्यू या फिर कोई मीटिंग में पहुंच सकते हैं। सो ट्रिमर तो आपके पास होना ही चाहिए, अगर आप बियर्ड रखते हैं ऐसी कंडीशंस के लिए आपके पास शेवर भी होना चाहिए। यूज़ करने के बाद आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और अंदर आपको हेयर जो है यहाँ पे फंसे हुए मिलेंगे, जिसको आपको क्लीन करना होगा। ब्लेड्स जो हैं काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, ये लगभग 2 साल तक के चलते हैं अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आपको ये शेवर चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के जैसे कुछ अच्छे मॉडल्स और भी हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका साउंड मुझको बहुत पसंद है। ये रहा दोस्तों शेविंग, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए वीडियो में कमेंट करके, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ऐसे ही काम की वीडियोस देखने के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।